हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं ना कपड़े सुखा के डालने, मॉर्निंग से मेरा स्टार्ट हो गया है व्लॉग। तो यहाँ पे नल आ गया था और डिंकी ये देखिए शॉप से आ गई थी मैगी बनाने के लिए। उसको मैगी पसंद है तो ये आज उनको मंडे तक छुट्टी है तो मैगी, मैंने कहा कि मैंने मैगी नहीं खाई तो मैगी ले आ, आज मैगी बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं गीली हो गई, यहाँ पे कपड़े धो रही थी तो सुखा दिए, क्योंकि जब नल आता है ना तभी मैं ना ज़्यादा कपड़े रहते थे तभी धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही हूँ और आज है ना धूप भी नहीं थी, बहुत कम धूप थी मतलब, तो इसीलिए मैं सुबह ही 8 बजे, मेरे ये 8 बजे का समय है मॉर्निंग में, जब नल आया था तभी मैंने पानी भर के फिर कपड़े वगैरह धो लिए थे। फिर मैं फुर्सत हो जाती हूँ, अगर मैं बैठ जाऊँ ना तो मेरे को है ना कपड़े मतलब फिर ऐसे लगता है अरे इतने सारे कपड़े कैसे धोऊँ, ये करूँ वो करूँ, तो इसलिए सुबह। और इनके स्कूल के यूनिफॉर्म भी थे तो सोचा कि कल संडे तो फिर थोड़ा सा आराम से उठूँ, नहीं तो क्या है संडे के दिन अब और क्या है फिर छुट्टी वाला दिन रहता है, फिर सूखते नहीं है, बादल भी है, तो इसलिए मैंने अच्छा किया आज धो लिए। तो उसके बाद आज है ना नाइट में इतने सारे बादल और फूल देखी, कितने सुंदर खिले हैं और इतने सुंदर फूल, और इसको काट दिए थे ना तो इसलिए इनका कलर और डार्क हो के आया है। तो सब आते हैं, सब बोलते हैं कि आपके यहाँ फूल बहुत अच्छे लगते हैं, सब कलर मांगते, तो अभी मैं सब जो मांग रहे थे उनको भी दे दूँगी फूलों की कलर। तो कपड़े ख़त्म होने के नाम ही ये सोच रही कहाँ डालूँ कहाँ डालूँ, क्योंकि यहाँ पे आने जाने के लिए भी रास्ता थोड़ा चाहिए और मेरे यहाँ है ना धूप बहुत कम आती है तो इसीलिए है ना मैं बहुत ये करती हूँ। ये देखिए कपड़े ज़्यादा मैं निकालती नहीं हूँ, अभी दिवाली के कपड़े तो निकलेंगे, अब दिवाली की साफ़ सफाई भी करनी है तो मैं ये करवा चौथ के बाद ही दिवाली की साफ़ सफाई सा स्टार्ट करूँगी, 2-3 दिन में हो जाएगी। उसके बाद फिर ये है ना मैं किचन में आ गई थी तो यहाँ पे आई रात को है ना चली गई थी मेरे नंद के यहाँ, उनको दशहरे का मतलब खाने के लिए बुलावा आ गया था तो वही सो गई थी। फिर सुबह मॉर्निंग में आई तो हम लोगों ने कल पूड़ी वगैरह बनाई थी तो उनके यहाँ भी था तो वो खा के आ गई थी, ब्रेकफास्ट भी करके आई तो मैंने कहा कर रही क्या, तो बोले नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं है ना भजिए थोड़े से, वो पोहे की पत्ती जानते हो, पता नहीं आप लोग जानते हो, हम इधर पोहे बोलते हैं उनकी सब्जी वगैरह बनती है, तो उसके मैं पकोड़े बना रही हूँ वो पत्ती डाल के, बहुत टेस्टी लगते हैं और क्रिस्पी क्रिस्पी, तो मैं ये ब्रेकफास्ट के लिए भी बना लूँगी और ऐसे भी। उसके बाद मैंने नहा लिया और ये देखिए तुलसी जी को जल दे रही हूँ, तो बहुत लेट हो गई थी मैं नहाने में आज, जैसे 10-11 बज चुके होंगे, तो एक मैं तुलसी जी को जल दूंगी, पूजा हो गई थी। फिर उसके बाद भी मैंने कुछ भी रूटीन नहीं दिखाया, डायरेक्ट आपको शाम को मिली, क्योंकि क्या इतने बहुत मेहनत लगती है गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए और आप है ना बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे तो इससे ना बहुत डिमोटिवेट होते जा रही हूँ मैं। फिर यहाँ पर हम लंच कर रहे हैं और लंच में डिंकी है ना कुछ मोबाइल ही देख रही थी तो मैं डिंकी को बोल रही थी खाना खा लो, इनकी हेयर बेड देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं ना, डिंकी और परी के लिए ले आए हैं, तो मैं मार्केट गई थी ना उस दिन जिस दिन करना खिलाए उसी दिन, तो उस दिन दोनों के लिए ले आई थी। फिर एकदम शाम का समय था तो ये देखिए आलू बैंगन, मेरी नन वगैरह बीच में आ गई थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, बातों में ही रह गए और भूल गए मैंने उनका वीडियो वगैरह बनाना। तो यहाँ पे डिनर के लिए आलू बैंगन की सब्जी बना रही हूँ मैं, तो ये काट रही थी ये देखिए और प्रिपरेशन कर रही थी डिनर की, तो यहाँ पे आलू बैंगन काट के तो बहुत हेलो गाइस, तो है ना अभी मैं सुबह से मॉर्निंग से जो रूटीन दिखाई और अभी मैं आपको शाम को डायरेक्ट 6:30 बज चुके हैं, 7:45 बज चुके हैं, 7 बज चुके हैं शायद है ना डिंकी, तो 7 बजे आपसे बात करने बैठी हूँ और मतलब टाइम नहीं मिला था तो सब काम वाम कर लिए तो थोड़ा से मैंने सोचा कि चलो बात कर लेती हूँ। और अभी डिनर में बन रहा आलू बैंगन गोभी की सब्जी, मेरा फेवरेट सब्जी, और बन भी गई और अभी रोटी बनाने बाकी है तो मैं सोचा कि चलो पहले आपसे बात कर लेती हूँ उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मतलब मॉर्निंग टू नाइट रूटीन सब दिखा रही हूँ, बर्तन भी कर लिए मैंने शाम के, फिर दीदी आ गई थी हमारी बड़ी नन तो उनसे बात कर ले फिर वो चले गए तो फिर थोड़ा लेट हो गए बर्तन धोने में। और बस तो अभी मैं बना चावल बन गए हैं, आलू बैंगन की सब्जी भी बन गई, रोटी बनानी है अभी बना लेंगे फिर खाना खा लेंगे, फिर हो गया हमारा अभी नव दुर्गा भी ख़त्म हो गई, अब तो खाना ही खाना है और फिर क्या, अब मिलती हूँ आपको बाद में लंच डिनर पे।
फिर हमारा डिनर वगैरह सब हो गया सब, तो यहाँ पे कपड़े है मेरे, मैं निकाल के ले आई थी, तो ये साड़ी और ये बाकी के कपड़े मैं ना ये कर लूँगी। तो गाइज प्लीज़, जब मैं यही बोल रही कि डीमोटिवेशन मत कीजिए मुझे, मुझे थोड़ा मोटिवेशन दे दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। और बिल्कुल मतलब मन नहीं होता, ये क्या व्यूज़ देख के ना ऐसा दिमाग ख़राब होता है, कह रहे किसी के वीडियो देखूँ ना, और किसी के वीडियो जाओ भी नहीं, कोई मेरे वीडियो में भी नहीं आए तो भी अच्छा है, अगर देखना हो तो फूल देखिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही अब लगता है। मतलब जिनके सपोर्ट नहीं है तो फालतू का फिर रिक्वेस्ट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, ये मेरी मतलब ये रहता है। तो ये व्यूज़ देख के ऐसा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम टाइम निकाल निकाल के आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग है ना बिल्कुल मतलब हमको क्या समझते पता नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए कपड़े सूख गए थे, और मैं है ना सोफे के अंदर वहाँ पे कल प्रेस के लिए ऐसे अलमारी में नहीं रखूँगी, ऐसे घड़ी करके रख दूँगी, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी एंड कर दूँगी। और बस छोटे छोटे अब वीडियो बनाऊँगी आगे दे चल के, और यहाँ पे हमारी सोने की तैयारी चल रही थी। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।